हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम, और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वाउचर। लास्ट क्लास में हमने वाउचर्स के टाइप, वाउचर की डेफिनेशन एंड हमने एक कंट्रा वाउचर के बारे में भी हमने समझा हुआ। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि ये हमारा वाउचर का सेकंड वीडियो है और आज हम अगले वाउचर के बारे में समझेंगे और उसका एंट्री देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पेमेंट वाउचर। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप के जब भी कोई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो देखते हैं पेमेंट वाउचर में हम किस टाइप के इंटरेस्ट को करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड टू एनीवन इन फॉर्म ऑफ कैश, बैंक चेक, व्हाटएवर, कोई भी फॉर्म में हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को भी। अब वो किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हो, या फिर हम किसी को वेजेस पेमेंट कर रहे हो, या फिर हम किसी को रेंट पेमेंट कर रहे हो, किसी भी टाइप का पेमेंट है, तो वो सारा पेमेंट का रिकॉर्ड हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत रखते हैं। वाउचर क्या होता है? तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम एक टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका सारा का सारा रिकॉर्ड हम उसमें इंसर्ट करते हैं। तो ये इनको बेहतर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेड सैलरी 4000 कैश। ओके, यानी कि आप कोई बंदा है जिसको हमने सैलरी पे कर रहे हैं, जो हमारा एम्प्लॉई है, जो भी हमारा वर्कर है, उनको हम 4000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, और वो भी हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसके अकाउंट में एंट्री किस तरह से होगा? तो अगर हम इसका जनरल एंट्री देखें तो यहाँ पे पेमेंट हम कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, और यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है वो है सैलरी अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स ये कहता है डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो हमारे पास आए उसे हमें डेबिट करना, जो हमारे पास से जाए उसे हमें क्रेडिट करना। तो चूंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। सैलरी चूंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स ये है कि जो भी इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है उसको हमने क्रेडिट करना है, और जो भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है उसको हमने डेबिट करना है। तो यहाँ एक तरह से हम सैलरी पे कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, एक तरह से खर्च हो रहा है, एम्प्लॉय के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा एक क्या हो जाएगा? तो एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आई होप कि यहाँ पे आपको ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे हो रहा है। हम इस ट्रांजेक्शन का प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, आप चिंता ना करें। अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिख रहा है पेड 1000 टू सोहन बाई चेक। अब हम चेक के द्वारा सोहन को 1000 रुपए पेमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको लास्ट ट्रांजेक्शन याद होगा, यानी कि पिछले क्लास में हमने जो कंट्रा वाउचर पढ़ा था उसमें हमने बैंक डिटेल देखा था, बैंक की ट्रांजेक्शन करना सीखा था, जिसमें हमने देखा था 6000 रुपए हमने डिपॉजिट किया था और 5000 रुपए हमने विड्रॉ किया था, जिसमें से 1000 रुपए हमारा क्लोजिंग बैलेंस में बचा हुआ था। ये मैंने कल दिखा दिया था। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो हम इसका देखते हैं एंट्री कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, ओके, और चेक के द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं और सोहन को पेमेंट कर रहे हैं। तो एक हो गया हमारा सोहन, सोहन को हम पेमेंट कर रहे हैं और चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक यानी कि बैंक से रिलेटेड हो गया। तो एक आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट और एक आ जाएगा सोहन का अकाउंट। तो सोहन चूंकि पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीव करने वाला है, तो हम जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। तो सोहन रिसीव करने वाला है, तो 1000 रुपए रिसीव कर रहा है, सोहन हमारा डेबिट हो जाएगा एंड बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देखें, सोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ओके, और बैंक में जिस टाइप का आपका बैंक होगा, जैसे SBI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, जो भी टाइप का आपने बैंक अकाउंट खोल रखा है उस अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, तो चलिए इनका हम ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इसका हम एंट्री पेमेंट वाउचर में किस तरह से करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का हम एंट्री करते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। चलते हैं अपने टैली प्राइम विंडो पे। हम यहाँ पे टैली प्राइम विंडो को ओपन कर चुके हैं, एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब चूंकि हमने वाउचर एंट्री करना है, तो हम सबसे आसान तरीका वी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा वाउचर का जो स्क्रीन है वो ओपन हो चुका है और डिफॉल्ट यहाँ पे पेमेंट से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमने कौन सा करना था? आई थिंक हमें पेमेंट ही करना है, तो यहाँ पेमेंट ही ओपन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हमसे बाई पूछ रहा है, और हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं क्वेश्चन रिमाइंड करा दूँ। क्वेश्चन हमारा ये था पेड सैलरी 4000 रुपीज कैश, हमने किसी को सैलरी पेमेंट किया था और
कैश पेमेंट किया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बाई आ जाएगा यानी कि सैलरी अकाउंट की बात कर रहा है, हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट देना होगा। चूंकि हमारे पास कोई सैलरी अकाउंट नहीं बना हुआ है, हम इसी विंडो से डायरेक्ट हम लेजर क्रिएशन वाले विंडो पे जा सकते हैं। उसका एक शॉर्टकट किया ऑल्ट सी, जैसे हमने ऑल्ट सी प्रेस किया यहाँ हमारा लेजर क्रिएशन वाला स्क्रीन ओपन हो चुका है। अब हमने क्या ओपन करना है, तो हमें सैलरी का अकाउंट खोलना है। तो हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिख दिया और सैलरी का एलियास नाम हम रहने देते हैं। और ये एक तरह का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो भी हम सैलरी पेमेंट करते हैं किसी को भी, तो हम एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे होते, तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और हमने यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं टाइप ऑफ लेजर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास यहाँ पे बैंक डिटेल पूछ रहा है, हम यहाँ पे रहने देते हैं बैंक डिटेल। और यहाँ पे हमने इस विंडो को किया एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा सैलरी अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसमें डेबिट करना है, तो कितना रुपए डेबिट करना है, 4000 रुपीज़ हमने डेबिट किया। और 2 में आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट, तो हमने यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कैश 4000 हो चुका है। नरेशन वाले विंडो पे अब हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी पेड बाई कैश। ओके, हमने कैश में सैलरी पे किया है और फिर हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इस फॉर्म को, इस बिल को हमने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद हमारा एक एंट्री हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर भी हमारा एक बढ़ चुका है, यहाँ पे 3 हो चुका है, यानी कि 2 हमारा एंट्री हो चुका है और 3 नंबर वाउचर यहाँ पे ओपन हो रखा है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन था पेड 1000 टू सोहन बाई चेक। ओके, हमने सोहन को 1000 रुपये पेमेंट किया था लेकिन चेक के द्वारा। अब सोहन का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, तो हम यहीं से ऑल्ट सी बटन प्रेस करते हैं और हम लेजर क्रिएशन वाले विंडो पे आ चुके हैं। और हमने यहाँ पे लिख दिया सोहन अकाउंट, सोहन का अकाउंट हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे किस ग्रुप में आएगा, तो सोहन एक्चुअली हमारा एक डेबिटर है, तो उसको हम लिखेंगे सन्डरी डेटर्स। ओके, हमने यहाँ पे सन्डरी डेटर्स सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बिल वाइज बिल यस यस यस, और सोहन का अकाउंट का डिटेल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे उसका टोटल नाम लिख लेते हैं, पूरा कंप्लीट नाम सोहन सिंह। ओके, सोहन सिंह मैंने दे दिया। एड्रेस हम लिख देते हैं सपोज CHAPRA चपड़ा, एंड अगला बिहार हो चुका है। पिन कोड मैं यहाँ से 84-13-01 मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके, आगे मैं इस विंडो को एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारा सोहन का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और सोहन को कितना रुपया डेबिट करना है, तो 1000 रुपीज़ हमने डेबिट करना है। ओके, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा ऑन अकाउंट। ओके, ऑन अकाउंट 1000 रुपीज़ डेबिट हो गया। 2 में अब हमारा आ जाएगा क्या हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, नहीं हम कैश नहीं कर रहे, हम बैंक से कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बैंक अकाउंट बना हुआ है वो ICICI बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो मैं बैंक अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और यहीं पे देखिए कितना मजेदार बात है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि करंट बैलेंस 0 रुपया हो चुका है। ओके, यानी कि 1000 रुपये अगर हम अपने अकाउंट से निकाल देते हैं, तो हमारे पास अभी जो करंट बैलेंस बच गया वो यहाँ पे 0 रुपया बच गया, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जब बैंक का ट्रांजेक्शन किया था जिसमें हमने 6000 रुपये डिपोजिट किया था और कल ही हमने 5000 रुपया विड्रॉ भी कर लिया था, 1000 रुपया मात्र हमारे पास बचा हुआ था और वो भी आज हमने सोहन को पेमेंट कर दिया। तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है वो 0 बैलेंस बचा हुआ है। जो स्टूडेंट मेरे पिछले क्लास को देखे होंगे उनको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में चले जाएं और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 20। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे चेक पूछ रहा है कि हम चेक के माध्यम से करें, तो बिल्कुल हम चेक के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ओके किया, डेट किया, ठीक है। अब हम नरेशन वाले विंडो पे आ चुके हैं। नरेशन हमने लिखना है, हमने लिखा है पेड टू सोहन बाई चेक। ओके, हमने यहाँ पे एक नरेशन लिख दिया पेड टू सोहन बाई चेक, चेक के द्वारा हमने पेमेंट किया है। और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो पेमेंट नंबर है वो 4 हो चुका है, बिकॉज कि हमारा 3 ट्रांजेक्शन 3 वाउचर हमारा एंट्री हो चुका है। यहाँ पे हमने पेमेंट वाला दोनों अकाउंट का एंट्री कर लिया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इनमें कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ चुका होगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अच्छा सीख सके। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में नए वाउचर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।